दरवाजा धरती पर सबसे आसान से है। फिगर आपको याद रखना, फिगर आगे पालना है। मेकिंग द बॉक्स मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ मतलब बॉक्स बनाना, मतलब बक्सा बनाना। देखिए ये भी एक प्रकार का घन घनाभ का ही चैप्टर होता है, समझ गए, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, घन घनाभ का चैप्टर होता है। तो घन घनाभ की जितने भी हम जो है कॉन्सेप्ट जानते हैं सब इसमें लगेगा, सब इसमें क्या होगा, लगेगा। तो इसमें मेनली आपको ये जानना है कि घन घनाभ में कुल कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। लिखो इसमें, लिखो घन घनाभ देकर उसके बाद डाल देना, वो कॉमन चीज पर आ रहा है, क्योंकि इसमें कुल 6 सतह होते हैं, इसमें कुल 6 सतह होते हैं, प्रत्येक सतह का एक विपरीत सतह होता है, प्रत्येक सतह का एक विपरीत सतह होता है, प्रत्येक सतह का एक विपरीत सतह होता है। उसके बाद लिखिए 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, कोने, हाँ 8 कोने होते हैं, क्लियर। उसके बाद लिखिए प्रत्येक सतह का एक विपरीत सतह होता है, एक हम बोले हैं, उसके बाद बोले थे 8 कोने होते हैं, 8 कोना का मतलब हो गया जेस्टर का काउंट कर सकते हैं, जेस्टर जो है, समझ गए, हाँ ये 8 कोना, 4 को यहाँ होता है, 4 यहाँ हो गया, 1 2 3 4 यहाँ पे इधर से 1 2 3 4, प्रत्येक कोना को जब मिलाइएगा तो वो विकर्ण का रूप लेगा, क्या लेगा, विकर्ण का रूप लेगा। तो अब इसमें फिगर पढ़ा जाता है, फिगर हम लोग देखते हैं, जैसे पहला फिगर है आपका फिगर नंबर 1, 4-5 को फिगर पढ़ाएंगे वही आपका क्लास है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 है आपका ये, फिगर नंबर 1 यही है। उसके बाद यहाँ जो है किसी भी पोजीशन में, चाहे यहाँ पोजीशन में रहे या यहाँ रहे, इस तरह से एक एक्स्ट्रा पार्ट इसमें जो है चिपका हुआ रहेगा, समझ गए। तो इसमें नॉमिनिक्लेचर करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें, अतिमान कृपा होगी, धन्यवाद। एक घर जंप करेंगे, उसके बाद जो डिजिट मिलेगा वो उसका क्या होगा, अपोजिट होगा, एक का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, और 2 का अपोजिट हो जाएगा 4, और 5 का अपोजिट जंप करोगे तो क्या, 5 में देखो 3 जंप करके 6 मिल रहा है, इस तरह से इसका अपोजिट का हम लोग कहते हैं क्रिएशन करते हैं, एक घर छोड़कर अपोजिट मिलता है, एक का विपरीत हो गया क्या 3, 2 का विपरीत हो गया 4, और 5 का विपरीत हो गया 6, इसका डाइस, उस डाइस से कोई लेना देना नहीं है इस डिजिट का, केवल आपको हम फेस बता रहे हैं, ये फेस है मतलब सतह है, सतह की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा अच्छे से अगर कलम लाल वाला ब्लू वाला है जिस तरह से खींचे हैं, इसको 3 से मिला के एरो माल लगा दो, फिर इसको 2 से मिला के एरो लगा दो, और 5 को 6 से मिला के एरो लगा दो, समझ गए। आपको फिगर याद रखना है, बात समझ गया, दो फिगर हम फटाफट बताते हैं, उस पर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग जो है, और इस मतलब इसका लेना देना जो है इस अंग का जो है प्रॉपर डाइस से कोई नहीं है, मगर डाइस का सभी रूल इसमें लागू होगा, डाइस का सभी रूल, तो सभी रूल में क्या रूल लागू आएगा, तो पड़ोसी और विपरीत की जितनी भी बात की है कि पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होता, विपरीत सतह पड़ोसी नहीं होता, एक सतह के 4 सतह पड़ोसी होते हैं, एक सतह क्या होते हैं विपरीत होते हैं, ये सारी बात इसमें क्या होगा लागू होगा, समझ गए। चलिए हम लोग डाइस नंबर 2 में चलते हैं, फिगर 1 समझ गए, फिगर 1 समझना और कुछ नहीं है इसमें, एकदम 5 मिनट का क्लास है। दूसरा नंबर फिगर समझो, एक दो तीन चार, एक इधर लटक जाएगा,
एक इधर लटकेगा रिसीवर, ठीक। फिर 1 2 3 4 चलेंगे, ये 5 होगा, ये 6 होगा, बस एरो मार्क देखो। एक का आपको विपरीत ढूंढना है तो जंप करो, क्या मिला 3। दो का विपरीत ढूंढना है, दो का ऊपर मिलेगा नहीं मिलेगा, नीचे आएंगे 4। और 5 जो अकेला बच गया, दोनों कॉर्नर वाला ही भाई साहब एक दूसरे का विपरीत, हाँ कॉर्नर अलग दिया है। एक का हो गया 3, दो का हो गया 4 और 5 का हो गया 6। ये 3 फिगर जो है एक ही टाइप के हैं, चाहे जिस रूप में आएगा वही आंसर होगा, समझ गए। फिगर नंबर 3 पढ़ा रहे हैं, 4 का उल्टा जो 2 का उल्टा, 4 का उल्टा दो, एक दूसरे का रिवर्स होता है। तुम किसी को मारेगा तो तुम पैर पर छूएगा, प्रणाम करे करेगा, वो भी धर लेगा ना, गर्दन धरे, कालर धरे, माथा धरे, जो धरेगा धर लेगा। देखो ये अब क्या होगा कि एक वो को यहाँ पे रखेगा, एक वो को यहाँ किस कर देगा, इसी तरह बनता है, समझ गए। फिर यहाँ 1 2 3 देखो डिफरेंट फिगर है ना, एक बताए थे क्या कि यहाँ पे लगाए थे और एक वो को यहाँ पे लगाए थे, आपके बाद देखो दोनों कॉर्नर पर लगाए थे, आपके पास एक यहाँ है एक यहाँ है, तो फिर वही काम, एक का 3 2 का 4। मतलब इसमें हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर इसका इस सतह का विपरीत देखना चाहेंगे तो इसको छोड़ देंगे अगला वाला, इसका विपरीत देखना चाहेंगे तो इसको छोड़ देंगे अगला वाला, तो इसमें तो चारों का चारों हो गया, एक का भी 2 का मिल गया, एक चारों मिल गया, तब जो शेष सतह बचेगा एक दूसरे का क्या होगा विपरीत, मतलब 5 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 3 फिगर जब हो गया तो तुम लोग को चैप्टर में थोड़ा सा इंट्री करवा रहे हैं, ठीक ना, और तब तक हम चाय पी लेंगे, चैप्टर में जाके आप लोग को देखना है, चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सब वही है, ये 6 14 20 21। तो तुम लोग को सहायता के लिए थोड़ा सा मर्सी खा रहे हैं, 21 25 किताब दे रहे हैं, मुंह नहीं देखना है दूसरे का, किताब देते हैं। तो आप जो है इधर नीचे से बनाइएगा तो थोड़ा मजा आएगा, 25 से बनाना शुरू, ऊपर से नहीं बनाना है, ठीक। लो किताब सब बना, 25 से बनाइए, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, बात तो सही।
सही है, कुछ नहीं समझ में आएगा। अब देखो एक हम ऐसा एग्जांपल छोटा सा बना रहे हैं एकदम, वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए बना रहे हैं, पहले उसको समझ लो उसके बाद फिर हम सब प्रॉब्लम को बनवा देंगे। एक क्वेश्चन है आपका, मेरा दिख रहा है ना सबको, ए है बी है सी है और डी है, और यहाँ पे हमने लगा दिया क्या ई, और यहाँ लगा दिया हमने क्या एल। तो ये तो क्लियर हो गया, अपोजिट कौन किसका होगा, अपोजिट कौन किसका होगा। तो देखो एक अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। तो तुम ये चीज इस तरह लिख लो, एक अपोजिट सी, और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। बी का अपोजिट क्या हो गया, डी। और बच गया जो ई, तो ई का अपोजिट क्या हो गया। इतना बात जब जान जाते हैं तो आपके पास चार ऑप्शन देता है सेटर, क्या करता है चार ऑप्शन देता है, चार ऑप्शन देता है, तो ऑप्शन में क्या उसका मकसद छिपा हुआ रहता है वो दिखाते हैं आप लोगों को। देखो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ये है, आंसर देना है कि निम्नलिखित में कौन सही है, क्लियर। अब कैसे सही ढूंढा जाता है वो बता रहे हैं, ये क्वेश्चन अच्छे समझ जाओगे कहीं कोई दिक्कत नहीं। लिखो फटाफट, तैयार है सर। देखो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, बस उसको पकड़ के रखना है कि जो एक दूसरे का विपरीत सतह है वह एक साथ डाइस पे दिखाई नहीं देगा, मतलब एसी एक साथ डाइस पे नहीं आना चाहिए। अगर ये दिखाई देगा तो सी नहीं दिखाई देगा, सी दिखाई देगा तो ये नहीं दिखाई देगा, कोई एक आदमी रहेगा, समझ गए बात, समझ रहे। अगर एसी अगर उपस्थित हो गया तो वो मेरा डाइस क्या है, गड़बड़ है। अगर बी डी अगर एक साथ उपस्थित हो गया तो ये भी गड़बड़ है, ई एफ अगर एक साथ उपस्थित हो गया तो ये भी डाइस मेरा क्या गड़बड़ है। मतलब विपरीत सतह में से कोई एक सतह मेरा क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए, समझ गए बात, समझ भाई। विपरीत सतह में से कोई एक मेरा नजर आना चाहिए, दोनों नजर नहीं आएगा, दोनों अगर नजर आया वो डाइस मेरा क्या है, गलत। अब चलो पहला डाइस का हम लोग निराकरण करते हैं, ए अरे यही बोल रहे थे सी ए किन दे रही है, सी यहाँ है, सी यहाँ पर है। तो देखो ए है, अब आपको ए के बारे में सोचना है, ए है तो ए का अपोजिट कौन है, सी है। तो ए में केवल ए दिखना चाहिए या तो सी दिखना चाहिए, ए सी एक साथ दिख गया, क्या कि ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है, तो विपरीत का भी पड़ोसी नहीं हो सकता है, विपरीत का भी, इसलिए पहला डाइस मेरा क्या गर्व है, क्लियर। चलो इसमें अब यहाँ देखो सी है, पहला जैसे चेक करने का तरीका है सी है तो सी का अपोजिट ए होना चाहिए, देखो ए है कहीं पे नहीं है। चलो डी, डी के बारे में देखते हैं, डी है, डी का अपोजिट क्या है, बी। देखो बी है, बी मिल गया, तो बी डी एक साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि बी डी एक दूसरे का विपरीत है, तो विपरीत है तो कभी पड़ोसी नहीं होगा, इसलिए ये भी डाइस मेरा क्या है, गड़बड़, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं इस पे, ए है, ए का जो है क्या नहीं होना चाहिए, सी। देख लो चेक कर लो सी है कहीं पे, नहीं है, बहुत अच्छा ये पास हो गया। ई देखो, ई का क्या होना चाहिए, एफ, एफ है कहीं पे, नहीं, ये भी पास हो गया। डी, डी का क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, बी है कहीं पे, नहीं, तो कहने का मतलब ये फाइनली यही मेकिंग द बॉक्स का राइट आंसर है मेरा, समझ गए। अब ये चेक कीजिएगा, ये भी गड़बड़ ही होगा, काहे कि देखो यहाँ ई का अपोजिट एफ है, दोनों साथ आ गया, तो ये भी मेकिंग द बॉक्स में मेरा क्या गड़बड़ है। बात कुछ समझ में आई, जो विपरीत सतह होगा वो एक साथ नजर मेरा नहीं आएगा। किताब कहाँ था,
दिन को बना देते हैं तब तुम लोग का मन हल्का होगा, ठीक ना। तुम कि इधर निकल के किनारे पर बैठ जाओ, बाहर में गर्मी से परेशान है। चलो अगला हम लोग चलते हैं। इक्कीस नंबर है, सबके पास क्वेश्चन है ना? हम केवल फिगर बनाएंगे। चार है इसमें, ये ब्लैंक है। ब्लैंक वाला बहुत दिमाग खराब करता है, समझ गए? तुम लोग का अग्नि परीक्षा ले लेगा। बस यही है, ऑप्शन में देखोगे तब ना। ऑप्शन देखो कितना खतरनाक दिया ऑप्शन, बना दिए थे ना ये सब। सबके पास है किताब, सबके पास है ना? तब हम लोग ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे अपोजिट की बात करते हैं, तो देखो ये फेस का अपोजिट ये, मतलब ब्लैंक का अपोजिट क्या हो गया? ब्लैंक के हो गया। कहाँ पे इधर वाला है, मगर ये अभी आपको पढ़ाना नहीं था, मगर लिखा गया हमसे। थोड़ा देर पेशेंस रखोगे क्या इसमें? बता दे। चलो ठीक है। तो देखो ये जो है, इसको पहला फेस मानेंगे, इसको दूसरा फेस मानेंगे, इसको तीसरा फेस, इसको चौथा फेस। क्लियर? तो फर्स्ट का क्या होगा? थर्ड होगा, ये हो गया। तो मतलब ब्लैंक का क्या हो गया? ब्लैंक। क्लियर? उसके बाद इसका, तो इसका जब बनाओगे तो ये जो है इस तरह का होगा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रॉस। ये फेस में जो क्रॉस दिखेगा वो, और इसका ये हो जाएगा। इसमें जो है, इसमें भी ये पर, अब ये ठीक है। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना, देखो यहाँ थोड़ा सा देखो। अब आप लोग को हम बताते हैं कि कैसे क्विक आंसर ढूंढोगे। या तो किसी डाइस को ये पूरा देख लो, ये मिल जाए तो सही है, या ये मिल जाए तो सही है। अल्टरनेट में पहले तो ये देखना है कि ये तीनों का तीनों मिल जाए। ये तीनों मिल जाएगा तो इसलिए ये तीनों सट गया है, तो कहने का मतलब उस कंडीशन में भी डाइस मेरा सही होगा। ये देखोगे तो इस कंडीशन में मेरा भी डाइस सही होगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक है, और इसका भी एक ब्लैंक है, तो एक साथ दो ब्लैंक मेरा दिख सकता है, समझ गए? संभावना एक साथ दो ब्लैंक दिखने की है। तो इसमें चलो हम लोग पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला ऑप्शन में देखो ये वाला दिया है, ये वाला फिगर दिया है, और इसके साथ क्रॉस है, क्रॉस नहीं है, क्रॉस नहीं है। पहला ऑप्शन में क्रॉस नहीं है, इसलिए अभी तक ये सही चल रहा है। अब ऑप्शन भी डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शन देखो, इधर हम ऑप्शन बनाए नहीं जिस पे हम समझाएंगे। ऑप्शन पर आप लोग नजर रखिए। पहला ऑप्शन दिखा रहे हैं कि पहला ऑप्शन में जो ये वाला फिगर है, तो उसका जो है अपोजिट क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस नहीं दिया, मतलब पहला सही है, ठीक। उसके बाद बिंदा वाला का ब्लैंक होना चाहिए, बिंदा वाला का क्या होना चाहिए? ब्लैंक होना चाहिए। तो एक ब्लैंक दिया है, मगर यहाँ पर इस ब्लैंक को तब तक हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक ब्लैंक का अपोजिट भी मेरा क्या है? ब्लैंक है। तो पॉसिबिलिटी में मेरा पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। इसका भी विपरीत है, तो ये कहा जा सकता है कि इसका पड़ोसी है, इसका ये पड़ोसी है। इस बात पे अगर चलेंगे तो मेरा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। क्या होगा? गड़बड़। लेकिन एक ब्लैंक फेस का भी अपोजिट क्या है? ब्लैंक ही है। एक ब्लैंक की संभावना वहां पे बन सकता है, इसलिए पहला ऑप्शन मेरा क्या सही है। चलो दो नंबर ऑप्शन में देखते हैं। क्रॉस दिया है, और उसके साथ क्रॉस के साथ देखो पहला फिगर दे दिया कोड, वो बिंदा वाला थी, तो गड़बड़ हो गया। काहे कि ये दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए, ये दोनों एक साथ मेरा दिख गया, दुख खत्म हो गया, समझ गए? अब देखो, अब यहाँ पे खेल आया, तीन ब्लैंक दिया है। कितना दिया है? तीन ब्लैंक दिया है। तो तीन ब्लैंक की संभावना है, एक का अपोजिट ये हो सकता है, क्लियर, फिर इसका भी एक ब्लैंक हो सकता है। एक साथ मेरे कितने ब्लैंक हो सकते हैं? दो ब्लैंक हो सकता है, मगर तीन ब्लैंक नहीं हो सकता। तो ये भी मेरा ऑप्शन क्या है? गड़बड़। तो मतलब इसमें कट गया, दो और तीन कट गया, अब बचा है चार। अब चार को हम लोग लेके चलते हैं। चार में देखो, चार का क्रॉस के साथ क्या होना चाहिए? ये फेस दिखना चाहिए, तो ये फेस नहीं दिया, क्रॉस अभी बचा हुआ है, क्लियर। और इसके साथ ये ब्लैंक,
नहीं दिखना चाहिए, मगर एक ब्लैंक का ब्लैंक संभव है। तो कहने का मतलब इसमें जो आपका एक भी संभव है, चार भी संभव है, एक चार तो ऑप्शन है नहीं। तो इस आधार पे हम लोग जो छांटे हैं, तीन वाला नहीं होगा, दो वाला नहीं होगा, तो इसमें हमको लगता है केवल एक आंसर होगा, केवल एक। क्या लेना आंसर? केवल एक लेना ना, वही लेगा, क्या की लास्ट वाला को गलत करना पड़ेगा हमको। इसमें आप चाहिएगा तो एक ऑप्शन नंबर एक भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर चार भी सही हो सकता है, समझे? ऑप्शन नंबर एक भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर चार भी सही हो सकता है। इसका बोथ ऑप्शन एक चार होना चाहिए, एक चार नहीं दिया है तो उस कंडीशन में हम चार को हटा ही दिए। मान लिए कि ये जो है गलती से इसी का ये लिखा होगा, ठीक ना, इसलिए मेरा चार नंबर क्या है, गड़बड़। थोड़ा सा ये क्लिष्ट क्वेश्चन पकड़ा गया था, ये तुरंत लर्नर स्टूडेंट के लिए नहीं था। ये दूसरा क्वेश्चन देते जिसमें दिखे वो लर्नर के लिए है। चलिए हम थोड़ा सा दे रहे हैं और एक हम देखो, एक यहाँ पर दिया है, कहाँ सब ऐसा, हाँ यहाँ देखो नजर आ रहा है, 20 नंबर में, 20 नंबर दिखा सबको। ओ है, के है, एल है, एम है, और इधर ही भाई साहब जो है क्या है, टी है, और इधर भाई साहब क्या है, यू है। अब बस आपको देखना है कि ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल। ओ का अपोजिट क्या हो गया, एल, और के का अपोजिट क्या हो गया, एम। ए का अपोजिट हो गया एम, और ये टी का जो अपोजिट होगा, ये टी का अपोजिट होगा, ये हो गया यू। तब आपको यहाँ देखना है, पहला ऑप्शन में देखो के है, के के साथ एम नहीं दिखना चाहिए, एम नहीं है, पहला ऑप्शन देखो के है, के के साथ एम नहीं दिखना चाहिए, एम नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है यू, यू के साथ टी नहीं दिखना चाहिए, टी नहीं दिखना चाहिए, तो टी नहीं है, और एल के साथ वो नहीं दिखना चाहिए, ये नंबर ही सही पकड़ा गया, ये नंबर सही है। ये कैसे होगा, हम जो बोले थे एक बार कि वो की टी मिला लीजिए, एल एम यू मिला लीजिए, ये ऐसा ही कर रहे हैं क्या, वैसा मिल रहा है क्या? मगर इसमें जानते हैं खेल ये भी है कि डिब्बा मोरने में जो है इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन क्या होगा, किस तरह दिखेगा, वो भी दिखा रहा है, दिक्कत ये है। जैसे देखिए डिब्बा बनाने का मतलब है, देखो डिब्बा कैसे बनता है, डिब्बा बनाने का सिंपल तरीका है, अगर ये पेपर है तो पहले दोनों तरफ से क्या करते हैं, इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, फोल्ड हो गया, फिर ये किधर से फोल्ड करते हैं, किधर से फोल्ड करते हैं, मतलब ये सतह इसका अपोजिट हो गया, ये सतह इधर वाले का अपोजिट हो गया, और जब फोल्ड करने के बाद फिर ऊपर से जब आएगा तो नीचे वाला का अपोजिट हो जाएगा, यही फोल्ड है, समझ गए? इसमें देखो क्या आंसर हो जाएगा, तब पहला काम तो पोजिशन देखो, लेटर का पोजिशन कुछ भी हो, उल्टा हो पुलटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, जो जिसका विपरीत है वो एक साथ नहीं दिखना चाहिए, पहला फंडा यही है। तो पहले इसमें छांट लो कि कौन कौन गड़बड़ है, जैसे हम छांट के दिखाते हैं, डी नंबर नहीं होगा, कहे कि के साथ एम नहीं होना चाहिए, के साथ एम दिखा दिया, क्लियर नहीं होगा। चलो उसके बाद सी नंबर देखो, सी नंबर में जो है के एल टी दिया है, के एल टी दिया है, के एल टी, के एल टी ये संभावना है, ओ के एल, ओ के एल, तो ओ के साथ एल नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं होगा। उसके बाद है के एल यू, के एल यू मतलब ये भी संभावना है और सी की भी संभावना, मगर बस आते अब है लेटर की संभावना के, अब थोड़ा लेटर तुमको देख लेते हैं, डी उल्टा भी दिया है, यू भी तो उल्टा दिया है, सी सर, टी जैसा, क्या आंसर लेना, सी, क्या आंसर लेना, हां सर टी उल्टा हुआ है सर, ए दिया है सर, हाँ तो टी जब मुड़ेगा ना तो ये देखो एक्सो में डिब्बा कैसे बनेगा, एक बार हमको लगता है कि मिठाई वाला कोई डिब्बा एक लेट आना खाली मत लगाना।
खोलोगे ना डिब्बा, जब देखोगे मिठाई वाला का खुला हुआ रहता, पूरा खुला हुआ रहता, जब जाओगे फटाफट मोड़ के दे देते, बॉक्स बन जाता है। जस्ट वही काम यहाँ भी है, ठीक। तो उसमें यही है कि मिठाई वाला का डिब्बा जो रहता है वो इस तरह का रहता है, देखो मिठाई वाला डिब्बा जो रखता है वो इस तरह का डिब्बा रखता है और इसमें ट्राइंगल निकला रहता है, ठीक है ना। इधर से मुड़ेगा, इधर से मुड़ेगा, ये चारों जो छोटा छोटा ट्राइंगल बिल्कुल ऊपर पर वो बन जाता है, ठीक है ना। वो या पहले से ये रहता है वो। तो देखो यहाँ पर जो है इसको जब मोड़ोगे तो इसमें जैसे कि ये इसको बेस बना देते हैं, ठीक। बेस बना दिए तो इधर से खड़ा हो जाएगा, इधर से पहले ये खड़ा होगा, ये एम ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। टी टी हमको लगता है ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद ये जो है कैसा दिखेगा, उलट जाएगा। टी मतलब इधर से दिखना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, इसलिए नहीं होगा, ठीक है ना। टी जब मुड़ेगा तो वो अपना पोजीशन चेंज करेगा, समझे। टी ये जो है सेम डायरेक्शन में ना, क्या दे रहा है, ए नंबर दे रहा है। हालांकि संभावना दोनों का है, मगर इसमें पोजीशन हो गया, लेटर का भी पोजीशन हो गया, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसलिए इसमें ए ही रहने दो। थोड़ा सा और समझाने का, हल्का क्वेश्चन लेकर समझाने का कोशिश करता हूं। एक नंबर पर आसानी से बन जाएगा। देखो एफ का अपोजिट बी हो जाएगा, ई का अपोजिट सी हो जाएगा, ए का अपोजिट डी हो जाएगा। इसमें बताओ तो तुम लोग जरा सा, एक नंबर एफ का अपोजिट बी होगा, ई का अपोजिट सी होगा, ए का अपोजिट डी होगा। बी नंबर एफ के साथ बी नहीं दिखना चाहिए, एफ के साथ बी नहीं है, ई के साथ सी नहीं दिखना चाहिए, सी नहीं है, डी के साथ ए नहीं दिखना चाहिए। बहुत अच्छा, तुम लोग से बना नहीं बना लेकर काफी। देखो अपोजिट इसका तुम फाइंड कर लो, एफ का अपोजिट क्या होगा, एफ का अपोजिट तुम्हारा बी होगा, ठीक। और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट सी होगा, और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा। अब आपको ये देना, ध्यान देना है, जहाँ एफ नजर आएगा वहाँ पर बी नहीं नजर आना। तो देखो पहला ऑप्शन चेक कर, एफ है, एफ के साथ बी नहीं दे दिखना चाहिए, ये ऑप्शन कर, उसके बाद बी नंबर देता है। एफ के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए, बी, बी नहीं है। जी के साथ क्या, सी नहीं दिखना चाहिए, सी नहीं है। जी के साथ ये नहीं दिखना चाहिए, अभी देखो गड़बड़ है, जी के साथ कुछ सी है, ई है, ई के साथ हमको कौन नहीं दिखना चाहिए, सी, ई के साथ सी दिख गया है, नहीं। अब यहाँ पर देखो जी के साथ ये नहीं दिखना चाहिए, तो जी के साथ ये दिख गया, इसलिए ये यहाँ पर क्या। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, क्या दो नंबर ने थोड़ा सा एक क्वेश्चन है जो है ना, मतलब लर्नर टाइप का नहीं दिया, ठीक है। ये तो वही मिठाई का डब्बा वाला है, बनाओ ना, मिठाई का डब्बा है तो ऊपर से जाके इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, सी होगा सर ना। एक बार में आंसर दो, मिठाई का डब्बा जब जाएगा तो ऐसे मुंह मिलेगा ना उसका, ब्लैक वाला का। ये जैसे जब रेलवे का साइको का एग्जाम नहीं होता, सब उसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई एक रीजनिंग से मैकिंग द बॉक्स में, अब क्या है, आप फिगर वैसा दे देगा तो आप ऐसे भी फंस जाइएगा, आपको खाली कॉन्सेप्ट रखना है मैकिंग द बॉक्स। अच्छा आसान क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे, तो इसमें मोटा मोटी समझ गए ना, एक 18 नंबर। अगर आपको पढ़ाई करना है अल्टरनेट होता है, समझे, देखिए बता रहे, एक फिगर और देख लो तुम लोग,
एक फिगर और देख लो, क्या वो फिगर बताए थे अभी तक ना? तीन फिगर बताए थे, चौथा फिगर देख लो, फिगर नंबर 4। ए अल्लाह ने देखो यहाँ, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक। यहाँ पर जो है ए है, बी है, सी है, या डी है, या ई है, या क्या है, क्या क्लियर? हमेशा याद रखना है एक का अपोजिट एक, मतलब एक घर छोड़कर एक अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। एक अपोजिट सी। अब बी के लिए नीचे घर नहीं मिल रहा है, बी को छोड़ कर। डी का अपोजिट क्या? एफ। तो देखो ए का अपोजिट क्लियर हो गया सी, डी का अपोजिट क्लियर हो गया एफ। बाकी के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो एक दूसरे के लिए बच जाता है वो एक दूसरे का होता है। तो मतलब बी के लिए कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा, समझ गए? ये फिगर, ये फिगर से मैच कर रहा है? नहीं सर, तीन वाला। हाँ तो ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तना का पत्ता हो जाएगा पहले, तना का पत्ता हो गया। आपको हर हालत में जंप करने के लिए एक घर चाहिए, क्या चाहिए? घर चाहिए। बीज का फल हो जाएगा, बहुत अच्छा पकड़ लियो तुम। बीज का फल हो गया तो जो बच गया उसके लिए हो जाएगा। कहने का मतलब क्वेश्चन इसका ये है, देखो ये बीज है, ये फूल है, ये तना है, ये फल है, ये पत्ता है और ये कली है। तो हम बोले कि जब एक घर जंप करके तो तना का तो आंख मुन के हो गया क्या? पत्ता। तना का क्या हो गया? पत्ता हो गया। और बीज के लिए क्या करोगे? तो बीज के लिए जब इधर से आओगे तो क्या बन जाएगा? फल। बीज के लिए क्या हो जाएगा? फल, फूल का कली। अब फूल का क्या बन जाएगा? कली बन जाएगा। फूल एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, समझे? इस तरह से बना लो इसका, देखो क्या बनता है। देखा जाएगा क्या क्या है, ठीक ना? चार को फिगर पहले देख लो, ये हम देखते हैं कोई किताब आसान सा होगा ना, तो उसमें से ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, समझ गए? बन जाएगा उसका। चार फिगर बताए ना, चार फिगर में आप लोग जो है चारों फिगर को ध्यान में लाइएगा। अब खाली वो मिठाई का डब्बा वाला बचा हुआ, ठीक है? अभी जो था वो तुम्हारा वही मिठाई का डब्बे वाला था, समझ गए? मेकिंग द बॉक्स में अल्टरनेट फेस एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, बस उतने को ध्यान रखो उसी से बन जाएगा, ज्यादा इसमें क्वेश्चन उत्तर नहीं आता है, समझ गए? मगर फिर भी एक बेसिक जानकारी के लिए आपको बता दिए। हाँ वो मिठाई का डब्बा वाला है, समझे? वही है, वो फिगर बताएंगे बाद में।
यहाँ टाइप दिया गया है, नारंगी है, जामुनी है, बैगनी है, फिर यहाँ बैगनी है, नारंगी है, लाल है, हरा है, लाल है, नीला है, और यहाँ पे जामुनी, हरा, नीला है। ठीक, आपको हरा का अपोजिट बताना है। तो हरा का अपोजिट बताने के लिए सबसे पहला बेसिक फंडा का अगर मान लेते हैं कि इसमें आप लोग का दिमाग नहीं काम करेगा, अक्सर कैसे करें, तो हरा का हम लोग क्या करेंगे, पड़ोसी निकाल लेंगे। तो पड़ोसी निकालने के बाद जो बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, समझ गए। जैसे हरा का पड़ोसी निकालो, इसमें हरा तो है नहीं, यहाँ भी हरा नहीं है, यहाँ भी, यहाँ हरा है, तो हरा का पड़ोसी निकल गया कौन, लाल और नीला। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक चलते हैं, नीला पहले से ले चुके हैं, एक मिल गया कौन, जामुनी, जामुनी मिल गया। अब देखो यहाँ पे तीन आपका पड़ोसी मिल गया, ये तीनों इसका विपरीत नहीं होगा, ये तीनों विपरीत नहीं होगा, इसको छोड़ के कोई विपरीत होगा। तो अब देखो इसके छोड़ने के बाद कितने कलर बच रहे हैं, छह कलर होगा, हरा हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया, जामुनी हो गया, तीनों बच रहा है कौन, बैगनी विपरीत हो सकता है या नारंगी हो सकता है। अब दो दो ऑप्शन आपके पास है कि आप हो सकता है, तो अब आपको हम ऑप्शन भी सहारा में दे रहे हैं, तो ऑप्शन के आधार पर आप लोग बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन में आपको सब है, जामुनी भी है, बी नंबर नीला भी है, सी नंबर बैगनी भी है, और डी नारंगी भी है, बस आप लोग का खैर नहीं है। अब ये ऑप्शन दिया, अब आपको सोचना कब इसका क्या करें, तब आपको हम फिर यहाँ पे कहेंगे उसी मूल पे आओ, एक डिजिट मिलेगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्या करना है, घूम जाना है। ये काम मेरा यहाँ भी होगा, देखो पड़ोसी ढूंढने के बाद भी नहीं बना मेरा, दो दो ऑप्शन, बैगनी भी आ गया, नारंगी भी आ गया, इसमें भी ऑप्शन में बैगनी है, नारंगी है, तो क्लियर कर नहीं पाते हैं। तो ये मेरा मेथड क्या हो गया, फाइल हो गया, पड़ोसी वाला फाइल हो गया। अब ये जब फाइल हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक कलर को ढूंढेंगे जो कि दोनों डाइस पर मैच करता हो। ये जामुनी है, पूरा लिख देते हैं तो उन लोग को तुरंत मैच कर जाएगा, देखो नारंगी है, अब देखो मैच करो, बैगनी दोनों में, नारंगी नारंगी मिल रहा है, बैगनी में इसमें दुख मिल गया, छोड़ो इसको, इसमें लाल है, हाँ यही तो है। चलो तो लाल से हम लोग घूम जाएंगे, लाल से घूमेंगे, यहाँ भी लाल से घूमेंगे, क्लियर। तो लाल से घूमोगे तो लाल होगा, नारंगी होगा और बैगनी होगा, और यहाँ जब घूमोगे यहाँ तो लाल, हरा, नीला, और एक बार मानसर पाल, यही आंसर है ना, हरा का विपरीत क्या होगा, नारंगी होगा, यही आंसर। ये मैं तो कहीं भी दौड़ कर जाता है, इसलिए इसको पकड़ के रखना है। ठीक, चलो आगे हम लोग चलते हैं, क्या कि डिजिट वाला तो तुम लोग को हिम्मत बढ़ा ही दिया है, और थोड़ा सा संकेत वाला बता रहे कि ऐसा सब आए तो इस परिस्थिति में आप लोग घबराइएगा नहीं, क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग तैयार करें, यहाँ पर तैयार करें, देखो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर हम बता रहे थे 34 बताए थे, अब एक 35 आप लोग देखो, 35 बनवा लेते हैं, चार डाइस इसमें भी दिया गया है, आपको इसमें जो है पीला, नारंगी, नीला, इसमें है नारंगी, बैगनी, नीला, इसमें है नीला, लाल, पीला है, पीला, यहाँ है लाल, गुलाबी, पीला, आपसे पूछ रहा है पीला का भी विपरीत क्या होगा, बता दो।
कलर ढूंढो जो मैच कर रहा होगा। कल भी बोले सर पीला का, पीला का हो जाएगा पैकिंग। एक रंग पकड़ो उसको लेके घूम जाना और आपको पीला का उल्टा कोई एक रंग नहीं था। देखो कहीं दो और तीन नंबर में मिल रहा है सर नीला, दो और तीन नंबर में मिल रहा है नीला, यहाँ नीला है यहाँ नीला है, बैंगनी नारंगी लाल नीला, बहुत अच्छा है। यही तो है, यहाँ से घूम जाओ इधर, यहाँ से भी घूम जाओ इधर, यहाँ नीला से घूमोगे तो हो जाएगा नीला पीला लाल, और यहाँ जब घूमोगे नीला बैगनी बैगनी और उसके बाद नारंगी, और आपसे हम पूछ रहे हैं किसका पीला का, तो पीला का हो जाएगा बैगनी। आया था बैगनी कौन है, एक रंग पकड़ो ना, एक रंग नहीं बीच का दोनों में मिलता है, नहीं रखो रंग नीला तो से गरीब के साथ घूमता। चलो अब तुम लोग को हम सिखाते हैं एक नया चैप्टर मैचिंग द बॉक्स। कौन सा खुला टाई सब आप, आपका भाषा अलग है मेरा भाषा अलग है, देखो यही है क्या मैचिंग द बॉक्स उसको बोलते हैं, ये यही ना बोलोगे तब ना यही है ना, आप इसको मैचिंग द बॉक्स करते हैं। हाँ चलो ये पढ़ा लेते हैं, बहुत आसान है, समझ में आ गया नहीं। अब नया चैप्टर का नाम है आपको मेकिंग द बॉक्स। अब क्योंकि हम अपने भाषा में बात करेंगे, लैंग्वेज मेकिंग द बॉक्स, डिब्बा बनाना है, मिठाई का डिब्बा देखे हो कार्टून, वही कार्टून तैयार करना। नया चैप्टर इसको नया रिकॉर्डिंग के लिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ऐप है ऐप के साथ बी नहीं देते दिखना चाहिए, ये ऑप्शन करता है, उसके बाद बी नंबर देता है, ऐप के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए बी, बी नहीं है, ई के साथ क्या सी नहीं दिखना चाहिए सी नहीं है, जी के साथ बी नहीं दिखना चाहिए यही ऑप्शन है। अभी देखो गड़बड़ है, सी के साथ फिर सी है, जैसे ई है ई के साथ हमको कौन नहीं दिखना चाहिए सी, तो ई के साथ सी दिख गया है नहीं दिखा। अब यहाँ पर देखो जी के साथ ये नहीं दिखना चाहिए तो बी के साथ ये दिख गया, इसलिए ये चलो एक क्वेश्चन और देख लो क्या दो नंबर ने थोड़ा सा एक क्वेश्चन है जो है ना मतलब लर्नर टाइप का नहीं दिया, ठीक है ये तो वही मिठाई का डब्बा वाला है, बनाओ ना मिठाई का डब्बा है तो ऊपर पे जाके इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, हाँ एक बार में आंसर सुनो, मिठाई का डब्बा जब जाएगा तो ऐसे मुंह मिलेगा ना उसका ब्लैक वाला का, ये जैसे जब रेलवे का साइको का एग्जाम नहीं होता सब उसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया। लर्नर टाइप का नहीं दिया, लर्नर टाइप का किताब लिखा है ये वाला, अब जैसे क्या इसी से हम आप लोग को जन सब रीजनिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक रीजनिंग से मैकिंग द बॉक्स में अब क्या है आप फिगर वैसा दे देगा तो आप ऐसे भी फंस जाइएगा, आपको खाली कॉन्सेप्ट रखना है मेकिंग द बॉक्स कैसे आसान क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे, तो इसमें मोटा मोटी समझ गए ना, एक 18 नंबर फिगर आपको पढ़ाई करना है, फिगर बताइए देखिए अल्टरनेट होता है समझे, देखिए बता रहे एक फिगर और देख लो तुम लोग, एक फिगर और देख लो, क्या वो फिगर बताए थे अभी तक ना, तीन फिगर बताए थे, चौथा फिगर देख लो,
फिगर नंबर 4 ए अल्लाह ने देखो यहाँ एक दो तीन ठीक। यहाँ पर जो है ए है बी है सी है यहाँ डी है यहाँ ई है यहाँ क्या है क्लियर। हमेशा याद रखना है एक अपोजिट एक हो मतलब एक घर छोड़कर एक अपोजिट क्या हो जाएगा सी एक अपोजिट सी। अब बी के लिए नीचे घर नहीं मिल रहा है बी को छोड़ दो डी का अपोजिट क्या एफ। तो देखो ए का अपोजिट क्लियर हो गया सी डी का अपोजिट क्लियर हो गया एफ। बाकी के लिए आपको कुछ नहीं करना जो एक दूसरे के लिए बच जाता है वो एक दूसरे का होता है तो मतलब बी के लिए कौन हो जाएगा ई हो जाएगा समझ गया। ये फिगर से मैच कर रहा है नहीं सर तीन वाला। हाँ तो ये भी बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं। इसमें तना का पत्ता हो जाएगा पहले तना का पत्ता हो गया। आपको हर हालत में जंप करने के लिए एक घर चाहिए क्या चाहिए घर चाहिए बीज का फल हो जाएगा बहुत अच्छा पकड़ लियो तुम बीज का फल हो गया तो जो बच गया उसके लिए हो जाएगा। कहने का मतलब क्वेश्चन इसका ये है देखो ये बीज है ये फूल है ये तना है ये फल है ये पत्ता है और ये कली है। तो हम बोले कि जब एक घर जंप करके तो तना का तो आंख मुन के हो गया क्या पत्ता तना का क्या हो गया पत्ता हो गया। और बीज के लिए क्या करोगे तो बीज के लिए जब इधर से आओगे तो क्या बन जाएगा फल। बीज के लिए क्या हो जाएगा फल फूल का कली। अब फूल का क्या बन जाएगा कली बन जाएगा फूल एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा समझे। इस तरह से बना लो इसका देखो क्या बन रहा इसका देखा जाएगा क्या क्या है ठीक ना। चार को फिगर पहले देख लो हम देखते हैं कोई किताब आसान सा होगा ना तो उसमें से ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे समझ गए बन जाएगा उसका। चार फिगर बताए ना चार फिगर में आप लोग जो है चारों फिगर को ध्यान में लाइएगा। अब खाली वो मिठाई का डब्बा वाला बचा हुआ ठीक है अभी जो था वो तुम्हारा वही मिठाई का डब्बे वाला था समझ गए। इस तरह से है मेकिंग द बॉक्स में अल्टरनेट फेस एक दूसरे का अपोजिट होते हैं बस उतने को ध्यान रखो उसी से बन जाएगा ज्यादा इसमें क्वेश्चन उत्तर नहीं आता है समझ गए। मगर फिर भी एक बेसिक जानकारी के लिए आपको बता दिए हैं। हाँ वो मिठाई का डब्बा वाला है समझे वही है वो फिगर बताएंगे बाद में।
भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्हीं से कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।